अदन की वाटिका से आदम हव्वा को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि कोई भी पाप, बुराई, झूठ, दुष्टता परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी नहीं रह सकती, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्वर्गदूत हो, उनको परमेश्वर की उपस्थिति से पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है कि परमेश्वर मूसा से कहा कि अगर कोई मनुष्य मुझे देख ले तो वो मर जाएगा, इतना विराट। और बाइबल कहती है कि अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से आदम और हव्वा को हटना पड़ा। ये बात अलग है कि बाद में उस परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ी योजना बनाई और वो खुद इस स्थान पर आ गया। लेकिन हम बात करें मनुष्य की परिस्थिति के बारे में, हम मनुष्य की परिस्थिति के बारे में मनन करेंगे। मैं प्रत्येक दिन जब सुबह उठता हूं, मैं अखबार पढ़ता हूं, एक छोटी प्रार्थना के बाद, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के बाद, मैं पूरा अखबार बड़े ध्यान से पढ़ता हूं और मैं बड़े ध्यान से देखता हूं कि कल रात, अर्थात कल रात और कल दिन में हमारे देश, हमारे समाज और हमारे संसार में क्या क्या हुआ। बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भाषा, किसी भी कुल क्षेत्र के हो, बाइबल कहती है कि हम सबने पाप किया। भारतीय दर्शन शास्त्र भी इस बात को कहता है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम पुनरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हम सब पापी हैं। श्री डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में लिखा, मन वचन और कर्म से हर एक प्राणी पापी है। आगे वो लिखते हैं कि वो मनुष्य जो बीड़ी और सिगरेट नहीं छोड़ सकता, वो पाप कैसे छोड़ेगा। इसके लिए उसे परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर ही इस परिस्थिति में मनुष्य की सहायता कर सकता है। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याज गाय के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। इस संसार में कौन ऐसा हुआ जिसने झूठ नहीं बोला। तुलसी याजक आए के इस जग में आकर कौन ऐसा हुआ, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो हाथ। किसने पैसे के ऊपर या व्यविचार के ऊपर हाथ या झपटा नहीं डाला, किसने दुष्टता नहीं की, किसने कुदृष्टि नहीं की। एक दिन सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा था, हमारे शहर के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने पिछली रात अपने आप को गोली मार ली और एक बड़ा सा आर्टिकल उस पेपर में आया था। हम सब हैरान हो गए कि इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली क्यों मार ली। जब मैंने उस पूरे संदेश को पढ़ा तो समझ में आया, इससे पहले कि उन्होंने अपने आप को गोली मारी, उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी पत्नी के नाम। उस पत्र में लिखा था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरी दो और पत्नियां हैं और अब वो मुझ पर दबाव डाल रही हैं कि मैं तुमको छोड़ दूं और उनसे विवाह करूं। मैं फंस गया हूं और अब मैं जीवन का अंत कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मनुष्य बाहर से सुंदर दिखाई देता है लेकिन बाइबल कहती है उस मार्ग में अंधेरा है, उसमें मृत्यु है। इतना ही नहीं, मैं मर्लिन मैनरो के बारे में अध्ययन कर रहा था, एक फिल्म अभिनेत्री, अमेरिका की बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मैनरो अपने समय की एक खूबसूरत अदाकारा, एक सफल अभिनेत्री, एक धनवान अभिनेत्री।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने मर्लिन मैनरो को एक बड़ी सभा में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। वह हजारों लोग मर्लिन मैनरो को देखने के लिए आए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के नौजवान मर्लिन मैनरो का फोटोग्राफ अपनी जेब में रखा करते थे। वो एक सुंदर, सफल और धनवान अदाकारा थी। कुछ दिनों के बाद उसे ऐसे ही एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था। उसके ऑफिसर्स, उसके लोग उसे लेने के लिए कमरे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया, मैडम आप तैयार हैं? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं आई। लोगों को शक हुआ, अंततः दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया और देखा गया कि वहां पर मर्लिन मैनरो मरी हुई। इससे पहले कि वह संसार को छोड़कर जाए, उसने भी एक पत्र लिखा। उसने कहा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं। आई डोंट हैव पीस। आप जानते हैं इस शांति का स्रोत कौन है? स्वयं परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु। इसी दर्शन शास्त्र कहता, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञायज्ञस्तम तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बल्यागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावेश्यम। समस्त मानव जाति के जो पाप है वो केवल परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही साफ हो सकते हैं। उसके लहू के द्वारा ही हमें वो जीवन मिल सकता है। उस लहू के द्वारा ही हम उस अस्तित्व में वापस जा सकते हैं। एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है। आज मैं सुबह भी इस बात पर मनन कर रहा था। क्यों? आप सब यहां पर समझदार लोग बैठे हैं, आप जानते हैं जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, निश्चित ही एक पीड़ा और कष्ट की स्थिति है। एक जीवन को जीवन देने के लिए उसे स्वयं मृत्यु की समानता में होकर जाना होता है, उस पीड़ा को चखना होता है। She has to shed blood, उसे अपना लहू बहाकर उस जीवन को जीवन देना होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का प्रेम इस मां से भी गहरा है। इसमें कोई दोराई नहीं कि मां अपने बच्चे को प्रेम करती है। मेरी पत्नी यहां है और वो निश्चित अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्रेम करती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम का कोई पैमाना नहीं। हम परमेश्वर के प्रेम को नाप नहीं सकते। ये अतुलनीय, अवर्णनीय है। और इतना महान प्रेम, इतना महान प्रेम कि बाइबल कहती है कि उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ा और पृथ्वी पर आ गया। आज जब हम इस बारे में मनन कर रहे हैं कि क्या एक मनुष्य परमेश्वर के बगैर रह सकता है, जब एक मां के गर्भ में एक बच्चा होता है, तो अगर यहां पर कोई डॉक्टर है उस चीज को जानते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, मुझे नहीं मालूम आपकी स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, लेकिन उसे हिंदी में नाड़ी भी कहा जाता है, उसके द्वारा मां और बच्चे के अंदर एक संपर्क रहता है। और जो कुछ मां खाती है, पीती है, उसके द्वारा उस बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, विटामिन्स पहुंचते हैं, प्रोटीन पहुंचता है, ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन पहुंचती है। ये बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। और धीरे धीरे वो जो बच्चा है वो मां के गर्भ में बड़ा होता जाता है, क्योंकि निश्चित निरंतर उस मां का पोषण उस बच्चे तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए, अगर उस स्थान पर वो अम्बिलिकल कॉर्ड ना हो तो क्या उस बच्चे तक वो सारे रिसोर्स, सारे विटामिन्स, सारा प्रोटीन पहुंच पाएगा? कैन अ फीटस लिव विदाउट मदर? क्या एक फीटस, एक जो बच्चा मां के गर्भ में है, वो मां के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। कितना जरूरी, कितना अद्भुत है। मैं आपसे बात कर रहा था अपनी हवाई यात्रा के बारे में। जब
39,000 फीट की ऊंचाई पर जब 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जहाज आगे बढ़ता है तो पृथ्वी से जो एटीसी कंट्रोल है वो लगातार उस जहाज के संपर्क में रहता है और उसको हेवी रेडियो वाइब्रेशंस भेजता है, लगातार संपर्क के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजता है। अगर ये फ्रीक्वेंसी टूट जाए तो ये जहाज नहीं उतर पाएगा, उसके लिए असंभव हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आसमान में उड़ते हुए जहाज के लिए पृथ्वी पर बैठा वो रेडियो कंट्रोलर जरूरी है तो पृथ्वी पर चलने वाले इंसान के लिए स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की आवाज और उसका वचन कितना जरूरी होगा, कितना जरूरी होगा। यही हमें जानना है, यही हमें समझना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक घटना, एक कहानी है उड़ाव पुत्र के बारे में। लूका उसका 15 अध्याय, हम सब जानते हैं उस कहानी में। एक दिन वो जवान लड़का अपने पिताजी के पास में आया और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने अब आपकी बहुत सेवा कर ली है, अब मैं एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विदाउट यू, मैं आपके बगैर जीवन जीना चाहता हूं। और हम जानते हैं क्या हुआ, उसके पिता ने उसे उसका हिस्सा दे दिया और वो अपना हिस्सा लेकर दूर, बहुत दूर चला गया। थोड़े दिन बाद उसका सारा धन समाप्त हो गया, सारा धन समाप्त हो गया। उसे अपने प्राण और अपने जीवन की रक्षा के लिए एक नौकरी ढूंढने के लिए जरूरत पड़ी और वो कहां गया, सुअरों के बाड़े में। बाइबल कहती है कि अभी कुछ ही दिन नहीं हुए थे, उसने अपने मन में विचार किया कि मैं अपने पिता के घर में कितना अच्छा था, मेरे पिता के घर में खाने और रहने का कितना सुंदर प्रबंध था, लेकिन यहां मैं मर रहा हूं। तब जानते हैं उसने क्या कहा, उसने कहा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे दो बातें कहूंगा कि मैंने तेरे और स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये पाप न केवल आपको परमेश्वर से दूर करता है, लेकिन ये पाप एक भाई को भाई से दूर कर देता है, ये पाप समाज को समाज से दूर कर देता है, ये पाप परिवारों को तोड़ देता है, ये पाप भाई भाई को, बहन बहन को और पति पत्नी को तोड़ देता है। हमारे राजस्थान विवाह जो गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग रिपोर्ट आती है उसके अनुसार 40,000 डिवोर्स केसेस। एक बार जब मैं उस एनालिसिस को देख रहा था, लगभग 40,000 डिवोर्स केसेस, परिवार टूट रहे, बिखर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों है, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि पाप इस संसार में अपना बड़ा रूप ले चुका है और ये पाप एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन याद रखिए, अभी भी मेरे और आपके पास एक जीवित विश्वास योग और एक सामर्थी परमेश्वर है। अभी भी वो परमेश्वर मेरे और जीवन में और आपके जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद को ला सकता है। हमें इसे समझना होगा, हमें इसे जानना होगा, हमें इस पर मनन करना होगा। मुझे याद है जब मैं बॉम्बे एक बार गया तो वहां पर मेरे एक मित्र ने मुझे राजेश खन्ना जी का बंगला दिखाया जिसका नाम आशीर्वाद है, अब वो बंगला नहीं है। और तब जब मैं उस बंगले को देख रहा था, वो बड़ा सुंदर, बड़ा आलीशान बंगला था और मैं सोच रहा था कि राजेश खन्ना जी ने इस बंगले को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, दिन रात उन्होंने इसको तैयार करने के लिए, इसको बनाने के लिए, कितना पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। लेकिन जब वो संसार से चले गए, आप जानते हैं क्या हुआ, उस बंगले के ऊपर कोर्ट केस हो गया।
दो तीन पक्ष लोग उस बंगले के लिए लड़ाई करने लगे और अंततः वो बंगला बेच दिया गया और तोड़ दिया गया। हमें याद रखना होगा, मनुष्य जो कुछ इस पृथ्वी पर करेगा वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कुछ परमेश्वर बनाएगा वो युगानुग स्थिर रहेगा। हम किस मार्ग पर चल रहे हैं? राजा सुलेमान कहते हैं कि मनुष्य को लगता है कि इस मार्ग में जीवन है, लेकिन उस मार्ग के अंत में उसे मृत्यु मिलती है। आज जब हम इस स्थान पर बैठे हैं, हम इस स्थान पर बैठे मनन और चिंतन करें, सोचें अपने जीवन के बारे में, सोचें। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी मृत्यु हो गई। मैं उस समय अमेरिका में था और उनका मैसेज मेरे पास में आया। वो प्रभु को नहीं जानते थे। मैं उन्हें लगातार प्रभु के बारे में समझाता और सिखाता रहता था, परंतु वो राजनीति में थे और बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे और उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था। जब कभी वो मेरे सामने बैठते, मैं उन्हें परमेश्वर के बारे में बताता, उनके लिए प्रार्थना करता, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब मैं अमेरिका में था, उनका मेरे पास मैसेज आया फोन पर, उन्होंने कहा सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर बताया है और कहा है आप कितना भी इलाज करा लीजिए, आप अंततः 6 महीने बाद इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। और अब मैं डर रहा हूं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे प्रियो, बाइबिल कहती है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में ही अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखना। जब आप जवान हैं, आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, आप स्वस्थ हैं, आप उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, आप उसके लिए गीत गा सकते हैं, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, आप उसके निकट आ सकते हैं। दाऊद कहता है क्या मेरी हड्डियां कब्र में जाकर तेरी महिमा करेंगी? मेरे प्रियो, आज जब मैं अपने संदेश को आपके सामने लाना चाहता हूं, इन दो बातों पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उस परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में सोचिए और अपने बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आप और मैं वास्तव में कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या यह जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? क्या एक दिन मैं उस परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह सकूंगा कि परमेश्वर मैंने इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिया है? यीशु ने कहा फादर आई हैव ब्रॉट द ग्लोरी टू यू बाय फिनिशिंग द वर्क यू गेव मी टू डू। मैंने उस काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। क्या मैं और आप इस बात को परमेश्वर के सामने कह सकते हैं कि पिता इस पृथ्वी पर मैंने तेरी महिमा की है? एक ऐसा जीवन जिसमें तू मेरे साथ था। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो जब जीवित है तो उसके उद्धार का अनुभव करे। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है न योगेन न सांख्यन कर्मणा न विधाया ब्रह्म एकच मोक्ष विद्यते से दायनाने था। परमेश्वर के साथ वो संबंध न योगा करने से, न दान देने से, ना दाने न स्नाने न नहाने से। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब कृष्ण के पास में आए तो उन्होंने एक सवाल कृष्ण से पूछा कि अब सब कुछ हो गया लेकिन एक बड़ा सवाल मेरे सामने है कि मेरा मोक्ष, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे प्रियो, आज की शाम दो महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हैं। मोक्ष क्या है और ये आपको कैसे मिलेगा? मोक्ष परमेश्वर की उपस्थिति है, उस परमेश्वर के साथ उपस्थिति। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ रहते थे, they were saved। मोक्ष का मतलब है उस परमेश्वर के साथ एकीकरण, एकत्व। जब आप परमेश्वर के साथ हैं, जिस तरह इस समय आपके अंदर श्वास है, आप श्वास ले रहे हैं, आपके अंदर एक आत्मा है। जैसे ही यह आत्मा आपके शरीर को छोड़ती है, ये 5.5-6 फुट का शरीर जमीन में गिर जाता है और लोग कहते हैं ये व्यक्ति मर गया।
क्योंकि आत्मा उसके शरीर में से निकल चुकी है। ठीक इसी तरह उद्धार अर्थात सालवेशन मरने के बाद नहीं है, जीते जी आप उस उद्धार को प्राप्त करते हैं, उस संबंध को प्राप्त करते हैं। मोक्ष उस परमेश्वर के साथ उस संबंध को कहा गया है। कृष्ण ने गीता उसके 18 अध्याय 62 श्लोक में अर्जुन को सलाह दी, तुमेव शरणम गच्छम सर्व भावेन भारतनम तत् प्रसादनम प्रशस्ति शाश्वतम। अर्जुन तुम्हें उस परमेश्वर के पास जाना होगा जिसकी दया से जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तुम उस मोक्ष को अर्थात उस जीवन को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें उस परमेश्वर के पास जाना होगा। उस जवान लड़के ने कहा अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा हे पिता मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है मुझे क्षमा कर। पृथ्वी पर हमारा जीवन शायद 60 या 70 साल का हो सकता है लेकिन एक दिन हमें यह देह छोड़नी होगी, हमें यह संसार छोड़ना होगा। तब हम कहां होंगे? मैं उस अनंत के बारे में मनन करता हूं, उस अनंत के बारे में चिंतन करता हूं। मेरी ऐसी एक सभा के दौरान बॉम्बे में मुझे अवसर मिला कि मैं वहां पर जो होटल है सबसे बड़ा होटल है ताजमहल उसमें जाकर रुकूं। और जब मैं 3 दिन की सभा के बाद जा रहा था तो जब मैंने दरवाजा बंद किया और मैं आगे बढ़ गया तो मेरे मन में आया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अब इस सुंदर कक्ष में इस रूम में दोबारा जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा क्योंकि उसका समय समाप्त हो गया है, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। 3 दिन 12 बजे के बाद अब आप वहां नहीं जा सकते, अगर आपको वहां जाना है उसके लिए आपको अधिक पैसे लगेंगे। तो मैंने सोचा अभी भी मेरे पास चाबी है क्यों ना मैं इसे एक बार खोलकर देख लूं और कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता हूं। जब मैं ये सब कर ही रहा था परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा, तुम ये मनुष्य के बनाए हुए हाथों को देखकर, ये मनुष्य के हाथों से बनाए हुए देखकर चीजों को देखकर क्या ये सुंदर है, ये भव्य है। मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुम्हारे लिए अनंत काल के लिए इससे भी सुंदर और बेहतर एक स्थान तैयार किया है। और आप जानते हैं वहां रहने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। आप जानते हैं 12 बजे के बाद आपको उस स्थान से कोई कभी नहीं निकालेगा क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए एक उपहार है। इसलिए नहीं कि हमने अच्छे काम किए हैं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की दया है, उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। मेरे प्रियो मैं अपना एक स्वप्न बताकर आपको समापन की ओर ले जाना चाहता हूं। एक बार मैं एक ट्रेन यात्रा में था और रात को लगभग 2:30 या 3 बजे मैं एक सपना देख रहा था। मैं उस सपने को कभी भूल नहीं सकता। मैंने देखा कि मेरी दोनों बेटियां आर्णिका और आर्विका उस समय वो छोटी थी, सपना लगभग 5 साल पुराना है, वो छोटी छोटी लड़कियां एक जंगल सी जगह है और वहां से एक रास्ता निकल रहा है, एक सड़क निकल रही है और वो वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हुई है और वहां से ट्रक निकल रहे हैं और मेरी दोनों बेटियां उस सड़क को पार करना चाहती हैं। उनके कपड़े फटे हैं, उनके चेहरे पर मिट्टी लगी है और उनके बाल गंदे हैं और ऐसा लग रहा है स्वप्न के अनुसार कि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया है। रात को 3 बजे चलती हुई ट्रेन में मैं हड़बड़ाकर उठ गया। मैंने समय देखा लगभग 3 बज रहा है। मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहां हूं। मैं देखा मैं एक ट्रेन में हूं और एक स्वप्न देख रहा हूं। मुझे लगा अब सब ठीक होगा क्योंकि ये तो एक स्वप्न था। लेकिन सुबह मैंने अपनी पत्नी को फोन किया, पूछा आर्णिका और आर्विका कैसी हैं। मेरी वाइफ ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। लेकिन उस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर मुझसे लगातार बात करता रहा क्योंकि मैंने अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को स्वप्न में उस कठिन अवस्था में देखा था। वो भूखी थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी और वो सड़क पार करना चाह रही थी।
अगर मैं एक पिता होकर अपने बच्चों की इतनी चिंता करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर वो आपकी कितनी चिंता करता होगा, वो कितना आपके बारे में सोचता होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रह सकता।